कार्यक्रम का आज दूसरा दिन, पहली सभा बीजक सदगुरु कबीर की वाणी के पाठ से प्रारंभ हुई है और फिर भजनों का एक सिलसिला चला लंबा सा। और अब अभी हम लोग सुन रहे थे अपने संस्थान के साधु श्री अजय जी, उनके विचार सुन रहे थे। अब आप लोग सभी प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, विभिन्न आश्रमों से इस कार्यक्रम में पधारी हुई हैं साध्वियाँ। मेरा मन है, आप सबका भी मन होगा ही, कि आप सबके भी विचार सुने और मैं अब किसी प्रकार भी औपचारिकता में समय न गंवाते हुए, और परिचय भी क्या देना है, सब आई हुए हैं, गुरुदेव जी के सब अनुगमन करती हैं, इस आश्रम से उतने ही लगाव है जितना अपने आश्रम से। तो मैं, क्योंकि भजनों का कार्यक्रम बहुत कुछ हो चुका है, काफ़ी देर से भजन 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 सुन रहे थे, तो सीधे विचारों की ओर ही चलें, और इसकी आवश्यकता है, अच्छे विचारों को हमें लेना है। और बहुत इन लोगों के स्वतंत्र कार्यक्रम बनते हैं, देर तक बोल सकते हैं और अच्छा बोलते हैं और बढ़िया कबीर साहब के विचारों का प्रचार भी करना जानती हैं, लेकिन इस समय स्वतंत्र रूप से ज़्यादा समय तो नहीं होगा, सीमित थोड़ा थोड़ा समय हम सभी के सुनना चाहेंगे। और मैं कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीह से ही आई हुई हैं सुमेधा जी, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर अपने विचार रखें। मेरे ख्याल से 10-10 मिनट आप लोग बोलेंगे तो हो जाएगा। वैसे 10 मिनट में पता नहीं चलता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी दो भाई, सुमेधा को दो, यही भाई, एकदम अंदर। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, जोर से जयकारा लगाएंगे, सदगुरु श्री अभिलाष साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचासीन मेरे परम श्रद्धे श्री गुरु भूषण साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय सभी संत समाज, मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, साहेब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है आप सबकी सेवा में कुछ मिनट में अपने विचार रखूं। पिछले साल भी हम ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मिले हुए थे, साहिब जी ने मुझे भी समय दिया था, इस वर्ष फिर मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। हम सबको जो ये जीवन मिला हुआ है, ये बहुत ही बेशकीमती है, इसका मूल्यांकन हम संसार की किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं, ये इतना कीमती है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी मुझे याद आ रही है, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए।
बहुत सुंदर साखी है। यदि हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। पिछले साल मैंने कहा था कि कहंता तो बहुते मिले, गहंता मिला न कोय, सो कहंता बही जान दे जो न गहंता होए। वास्तव में हम और आप बहुत जानते हैं, लेकिन जानकारी को जब जीवन में उतारते हैं, आचरण करते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमें कुछ लाभ मिलता है। तो जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन जानकारी के अनुसार जीवन में प्रयोग करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हम में से 95% लोग जीवन में जो जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको हम कर नहीं पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि सद्गुरु कबीर साहब की जो साखी जिस पर मैं विचार देने जा रही हूँ कि जीवन जोवन राजमद अभिचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यहाँ हम और आप सभी लोग इसीलिए आए हैं कि सद्गुरु संतों के दर्शन होंगे, सानिध्य मिलेगा, उनकी रहनी से, उनके आचरण से, उनकी वाणी से हम सबको प्रेरणा मिलेगी और हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में सुधार लाएंगे, जीवन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको दूर करेंगे और अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाएंगे। इस साखी के प्रथम पंक्ति में तीन बातें हैं, जीवन जोवन राजमद। हमें जो जीवन मिला हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत बेशकीमती है, इसका मूल्यांकन हम किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते हैं, इतना बेशकीमती है हमें मानव जीवन मिला है। और इस मानव जीवन के अमूल्य समय को हम कहाँ लगा रहे हैं ये हमें चिंतन करना होगा। कमाना जीवन के लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, रुपयों की, कपड़ों की, मकान की, कुछ औषधि की आवश्यकता होती है, तब हमारा ये जीवन चलता है। कुछ संबंधों की भी आवश्यकता होती है, बिना संबंध के, बिना समाज के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए हम बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जो आवश्यक है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। जैसे हम कल सुन रहे थे कि कमाते क्यों हैं, खाने के लिए, खाते क्यों हैं, जीने के लिए। और हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि जीते क्यों हैं ये 95% लोगों को पता नहीं। वास्तव में जीना चाहिए अपने जीवन को निर्मल, पवित्र और सुखी बनाने के लिए। तो निर्मल, पवित्र और सुखी बनाने के लिए ही हम सब यहाँ आए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए कमाने खाने में, भोगों को भोगने में, और जीवन जीने की कला ही ना जान पाए। जैसे कल परसों हम दुखी थे, संसार से वासना बनाने का काम कर रहे थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, राग करते थे, द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, छल करते थे, कपट करते थे, एक दूसरे की शिकायत करते थे। क्या आज भी हम ऐसा ही जीवन जी रहे हैं और आगे भी ऐसा जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं? तो कल गुरुभूषण साहेब जी कह रहे थे ना कि हमारे जीवन में जो दुख और सुख आता है ये हमारे जीवन का परिणाम है, परीक्षा फल है। जो दुख और सुख हमें अनुभूति होती है, दुख और सुख की, ये ऐसे ही नहीं होती है। हम जो कुछ भी करते हैं मन से, तन से, वचन से, उसके परिणाम में हमारे अंतःकरण में एक संस्कार बनता है और वह संस्कार हमें दुखी और सुखी करता है। तो हमें विचार करना है कि इतना बेशकीमती जो मानव जीवन मिला हुआ है, इस मानव जीवन में क्या हमने कुछ सुख के बीज बोए जिसके परिणाम स्वरूप हमको सुख की, शांति की, तृप्ति की, आनंद की अनुभूति हो। इस पर हमें विचार करना है, चिंतन करना है, कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए तब हमको पश्चाताप करना पड़े। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जिसने ये भजन बनाया होगा, मैं उसके बारे में सोचती हूँ
कितनी गहराई से उसने चिंतन किया होगा और इस भजन को लिखा होगा। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बे वापस बेरंग आया। हम और आप शायद किसी के साथ वो घटना घटी हो, मेरे साथ तो घटना घटी है। एक बार हम लोगों का रिजर्वेशन था बड़ौदा से नरसिंहपुर का। इस शरीर मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला में जन्मा, गुजरात धर्मपुरी में हम लोग रहते थे। दो साध्वी, मेरे साथ एक साध्वी जी और थी, मेरा और उनका रिजर्वेशन हुआ। और रिजर्वेशन था तो हम लोग पहले से ही बड़ौदा स्टेशन पर बैठे हुए थे, लेकिन मेरी असावधानी के कारण मैंने पता नहीं किया और ट्रेन आकर के खड़ी हो गई। अनाउंस भी हो रहा था 6 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन वहाँ 6 नंबर प्लेटफार्म उस समय नया नया बना हुआ था। मैं यही सोचती थी कि यहाँ आएगी, यहाँ लगती है ट्रेन। दो बार तीन बार मैं यहीं से बैठकर गई हूँ, किसी से पूछने की क्या आवश्यकता, किसी से पूछूंगी, रात का समय है, हम दोनों केवल लड़कियां हैं, किसी से पूछूंगी नहीं, ट्रेन लगेगी, हम लोग बैठ जाएंगे। इतने में अनाउंस हुआ कि ट्रेन अब छूटने वाली है। मैंने एक कॉफी वाले से, चाय वाले से पूछा तो कहा कि अब आप लोग यदि ट्रेन को पा जाएं तो आपकी किस्मत छूटने वाली। हम लोगों ने दौड़ना शुरू किया और देखा ट्रेन छूट चुकी थी। हम लोगों ने हाथ दिया, चिल्लाए, पीछे जो झंडी बताने वाला, लाइट बताने वाला रहता है गार्ड, उसने गाड़ी रुकवा दी, ट्रेन रुकवा दी। हम लोग सोचे कि अब तो ट्रेन चली गई, बैठ गए हम लोग थक करके। कुली आया, अरे आप लोग यहाँ बैठे, ट्रेन तो खड़ी है। हम लोगों ने फिर दौड़ना शुरू किया, गाड़ी फिर छूट गई, ट्रेन फिर छूट गई। फिर मैंने उस कुली वाले, कुली भैया से कहा कि भैया मेरा बैग आप ले लीजिए और हम लोगों को ट्रेन पकड़वा दीजिए। उस गार्ड ने फिर ट्रेन रुकवा दी और जब हम लोग दौड़ते दौड़ते ट्रेन के पास गए, उसने कहा कि रिजर्वेशन है। हम लोगों ने कहा हाँ सर रिजर्वेशन तो है। कहा कुली वाले से कहा कि इसको, इन लोगों को बिठा देना, उसके बाद ही मैं ट्रेन लाइट दिखाऊंगा, सिग्नल दूंगा और ट्रेन चालू होगी। उस समय हम लोगों को अनुभूति हुई, हम लोग घर भी पहुंच गए, लेकिन उस घटना को रात भर नींद नहीं आई और सोचते रहे कि क्या होता। पूरी तैयारी के बाद हम लोग रात में स्टेशन पर बैठे और ट्रेन छूट जाती तो क्या होता। आज भी याद करके हम लोगों को एक अजीब सी अनुभूति होती है। वो तो ट्रेन की बात है, एक ट्रेन छूटती दूसरी निकल जाती, लेकिन जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, जिसे कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक संवारा। कितना वेश कीमती मानव जीवन है। मैं कह रही हूँ, समय उतना नहीं है कि मैं विस्तार से कह सकूं। कहने का मतलब मेरा यह है आप सभी से कि ये जीवन जो मिला है बहुत ही बेशकीमती है। अभी पोटियडी आश्रम की साहेब जी आशीर्वचन में सिर्फ 2 शब्द बोली, उन्होंने कहा कि ये जीवन बहुत ही कीमती है और इससे कीमती काम, मूल्यवान काम, सार्थक काम ही करना चाहिए। बस इतना कहकर उन्होंने समाप्त कर दिया। हम सब लोगों को लगा वास्तव में संसार के जो जिन्होंने अत्याचार किए, हिंसाएं की, एकदम क्रूर बर्बर व्यवहार किए, हीरे के लिए, मोती के लिए, जवाहरात के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, शासन के लिए, स्वामित्व के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। अपने घर में, परिवार में, जहां तक उनका चलता है, केवल और केवल दूसरों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, षड्यंत्र करते हैं। किन चीजों के लिए? छूटने वाली चीज, जीवन, जौवन, राजमत। न किसी का जीवन स्थिर है, न जवानी स्थिर है, न शासन स्वामित्व स्थिर है, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं, सब कुछ छूटने वाला है। और उसी के लिए लोग पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे अपराध करते हैं और संस्कार बिगाड़ लेते हैं, फिर 84 खानियों में केवल और केवल दुख पर दुख भोगते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो जीवन मिला है इसको सार्थक समय, सार्थक चीजों में बिताएं और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। ये जवानी मिली है, ये जवानी देखते ही देखते गायब हो जाती है। कब गायब होती है? ओस के कण, बादल की पुतली, रेल की छाया की तरह
बिजली की चमक की तरह देखते ही देखते गायब हो जाती है। यहाँ पर भी 75 से 80% लोग ऐसे ही बैठे हैं जो अपनी जवानी के सुनहले समय को खो चुके हैं। बहुत कुछ लोग अब 70, 75, 60 के बीच के लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी हम धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ध्यान चिंतन की तरफ, अपने जीवन में सेवा स्वाध्याय साधना की तरफ उतने परसेंट में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी मिले, सदगुरु कबीर साहेब का ज्ञान मिला, इतना सुंदर संत समाज मिला, यदि हम इस सुनहले अवसर को खो देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कुछ नहीं हो सकता है। आज हम देखते हैं समाज में बहुत कुसंस्कारों का वातावरण बना हुआ है, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं जिनकी हम कभी दूर से चर्चा सुनते थे, आज आसपास के लोगों को अपने ही शरीर में हमें पता नहीं चल रहा। अभी अल्ट्रासाउंड करवाएं, जांच करवाएं तो पता नहीं कितनी सारी बीमारी हमारे शरीर में निकलेंगी। इस शरीर का क्षण भर भी हमें भरोसा नहीं है, और चीज की गारंटी और वारंटी होती है लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो यह मानव जीवन बेशकीमती है, मूल्यवान है, लेकिन शरीर की दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि यह क्षणभंगुर है और गंदगी का पिटारा है और रोगों का घर है। इस पर हम चिंतन करें, विचार करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। सत्संग हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, या 3 दिन के लिए यहाँ घूमने फिरने, या किसी साथी के कहने पर, या साहेब लोगों के आमंत्रण देने पर नहीं आए हैं, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए आए हैं। फिर यदि ये काम नहीं कर पाए तो फिर 84 में जाने का हम बिल्कुल टिकट रिजर्वेशन करवा रहे समझ लें। इसलिए मेरा कहना यह है कि न जीवन हमारा स्थिर है, न जवानी स्थिर है, और न कुछ दिन का, चाहे घर परिवार का शासन स्वामित्व हो, चाहे किसी पद पर हम आसीन हो, कुछ समय में हम सबको, गुरुदेव जी कहा करते थे, अकेलापन, अकिंचिंता, असमर्थता, ये हम सबके जीवन में जीते रहे तो इसका मुंह देखना पड़ेगा। हम सबको विवश परवश होना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी जो कुछ मिला है ये कुछ भी हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है, अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो कभी जन्मता मरता नहीं है, जो नित्य जवान है, सुंदर है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। जो कुछ भी बाहर सुंदर दिखता है सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा की उपस्थिति में। अभी आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए तो ये शरीर, जिस शरीर पर हम मोहित हो जाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है वो शरीर, कोई देखना, कोई छूना पसंद। घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं छूतक लग गई, अशुद्धि। परिवार के लोग बहुत दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वहाँ भी उस व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है। विचार करिए ये शरीर कैसा है। दसवूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। इसलिए हमें विचार करना है, विनम्र होना है और अपने जीवन को किसी भी प्रकार के अहंकार को न रखते हुए सेवा स्वाध्याय सत्संग करते हुए आत्मकल्याण की ओर ले जाना है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप लोग सहमत हैं तो हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। हेलो। और जो लोग हाथ उठा करके ऊपर जय नहीं बोले वे लोग भी सहमत हैं, सही है ना? इतनी अच्छी बातें, सचमुच जीवन की क्षणभंगुरता को हम सभी समझते हैं लेकिन जीवन का सही उपयोग नहीं करते हैं। सचमुच जो जीवन में करने जैसा है वो नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव जी का एक आश्रम है सूरत में, वहाँ एक वाक्य लिखा है, साधना के लिए जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो वह दिन आज है। देखो मैंने वाक्य कह दिया लेकिन शायद आपके भीतर नहीं पहुंचा होगा, मैं दोहरा दूं, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। साधना के लिए जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो वह दिन आज है।
आप शुरू कर दें, अवसर आज है, जीवन को संवारने का काम करें आज है, निर्मल बनाने का काम करें आज है, कर सकते हैं। क्यों पता नहीं कल का दिन देखें कि न देखें, अगला वर्ष देख पाएं कि न देख पाएं, इसलिए हम जीवन का जो मूल्यवान समय मिला है, शक्ति मिली है, इसका उपयोग करें। और अब हम विचार सुने, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा से आई हुई साध्वी सुमन जी उपस्थित हैं, हम उनके विचार सुनते हैं। साध्वी सुमन जी, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमय, तमशो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य परम श्रद्धे गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, निर्छिर विवेकी सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी करुणामयी मेरी माता बहनों, अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि सत्संग का अर्थ है जीवन का परिवर्तन। सचमुच में सत्संग का सही अर्थ है जीवन का संपूर्ण परिवर्तन। हम सब अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपना शहर सब छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ हलवा पूरी खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा खाने देखने को मिलेगा, इसलिए नहीं आए हैं। हम सब का यही उद्देश्य है कि हम सब अपने जीवन को सुंदर बनाएं और उस सुख और शांति का अधिकारी बने, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं और सत्संग भजन का लाभ ले रहे हैं। सचमुच में हम देखते हैं कि जिंदगी जब जीना नहीं आता है तो यही जिंदगी कठिन हो जाती है, और जिंदगी को जब जीना आ जाता है तो यही जिंदगी सरल हो जाती है। कठिन कैसे हो जाती है? क्योंकि कहते हैं कि जब सूत्र गलत हो तो गणित भी गलत हो जाता है। अर्थात हम इस दुनिया को समझना चाहते हैं, हम इस दुनिया को समझना चाहते हैं। दुनिया का मतलब ये नहीं कि जापान, चीन, अमेरिका, इनको हम समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए दुनिया क्या है? हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे पास पड़ोस के लोग, और जो भी संबंध बनाए हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारा परिचय होता है वही हमारी दुनिया होती है। इतने को ही हमें जानना और समझना होता है, इतने में ही हम अपना जीवन जीते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि
कि हम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सब जीवन जी रहे अनुभव किए होंगे कि कभी भी हम दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। संग साथ में रहते हैं ऐसी बात नहीं है, अलग अलग रहते हैं ऐसी बात नहीं है, संग साथ में रहते हैं फिर भी हम उनको समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी जब हम हताश हो जाते हैं तो यही कहते हैं, इतने दिन हो गए लेकिन आज तक मैं अपनी पत्नी को कभी समझ नहीं पाया। पत्नी कहती है कभी पति को समझ नहीं पाया। छोटा भाई कहता है बड़ा भाई को कभी समझ नहीं पाया। बड़ा भाई कहता है छोटा भाई को कभी समझ नहीं पाया। सास कहती है कभी बहू को मैं समझ नहीं पाई। बहू कहती है सास को कभी समझ नहीं पाई। सचमुच में फिर से वही बात दोहराऊं कि जब सूत्र ही गलत होता है तो गणित भी गलत हो जाता है। हम कभी भी दुनिया को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जिंदगी कठिन हो जाती है। दूसरी बात है, हम ये सोचते हैं कि दुनिया हमें समझ जाए। हम क्या सोचते हैं कि दुनिया हमें समझ जाए, लेकिन यह भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता है। हम जैसा नहीं होते हैं वैसा कहने लग जाते हैं। कोई किसी के दिल की गहराई को समझ नहीं पाता है। वो रहते कुछ हैं और कहने वाले कुछ कह देते हैं, इसलिए दुनिया हमें कभी समझ नहीं पाती है। हम यही शिकायत करते हैं कि 50-60 साल हो गए पत्नी के साथ रहते रहते, लेकिन कभी भी आज तक मुझे समझ नहीं पाई। पत्नी भी यही कहती है कि पति के साथ इतने साल हो गए लेकिन मेरा पति मुझे कभी समझ नहीं पाया। सास कहती है कि बहू को इतने दिन आए हो गए लेकिन कभी बहू मुझे समझ नहीं पाई। तो बहू भी यही कहती है कि इस घर में मुझे इतने दिन आए हो गए, मेरी सास ही क्या, मेरे पूरे परिवार के लोग मुझे कभी समझ नहीं पाए। तो यही बात है कि कभी ना हम दुनिया को समझ सकते हैं और ना हमें दुनिया समझ सकती है। जब ऐसा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जीवन में शिकवा शिकायत भर जाती है और दूसरे को दोष देने लगते हैं। लेकिन इतना हम याद रखें कि हम जितना ही दूसरों को दोष देते जाते हैं उतना ही हमारी ज़िंदगी बिगड़ती जाती है। हम खुद का दोषी बन जाते हैं और हम अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते हैं और पछता पछता करके मरते हैं। ऐसा ही होता है, तो इसीलिए ज़िंदगी कठिन हो जाती है। हम यही सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को सुधरना होगा, उन्हें बदलना होगा, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन शायद ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिनके लिए हम शिकायत करते हैं उन्हें नहीं लगता कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, मुझे अपना सुधार करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर क्या होता है, जिंदगी भार स्वरूप हो जाता है। हमारी ज़िंदगी बोझ बन जाती है और हम ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहते हैं। एक बार एक महात्मा जी ऐसे ही सभा में एक प्रश्न करते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठा करके चलता है। तब किसी ने कहा ऊँट, किसी ने कहा बैल, किसी ने कहा गधा, अपने अपने अनुसार सब उत्तर दिए। लेकिन महात्मा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये ऊँट है, ये बैल है, ये गधा है, अगर इसके पीठ पर अगर हम एक मंजिल तक का भी बोझ अगर हम रख दें फिर भी इस बोझ को उतारा जा सकता है। लेकिन मनुष्य अपने अंदर अपने ऊपर इतना सारा बोझ, अपने विचारों का बोझ लेकर के घूमता है कि वो जिंदगी भर उतार नहीं पाता है। उन्हें लगता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इन्हें सुधार करना होगा। यह बोझ लेकर के वो चलता है, आने वाले कल का बोझ लेकर के चलता है, अपने किए पापों का बोझ लेकर के चलता है। तो जब तक कि हम अपने ऊपर के जो बोझ है, जो कुविचारों का बोझ है, उसको लेकर के हम चलते हैं, तब तक हम सुख शांति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि सिकवे सभी को है साहब, लेकिन जो मौत से जीना जानता है वही शिकायत नहीं करते हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना जिए, बल्कि जिंदगी में ये मायने रखता है कि हम कैसे जिए। जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है
जो आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी तो रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से हम मनोरंजन करें। इसलिए हम ये प्रयास ना करें कि दुनिया को हम समझें या दुनिया हमें समझे, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जिंदगी तभी सरल हो सकती है जब हम खुद को समझना शुरू कर देंगे। और खुद को समझना बिल्कुल आसान है, लेकिन हम खुद को समझना नहीं चाहते हैं। तो जब हम खुद को समझना शुरू कर देंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी सरल हो जाती है। तो खुद को कैसे समझना है, हमें हम ये पहले विचार करें कि मैं दुखी क्यों हूँ, दुख का कारण क्या है, मैं अशांत क्यों हूँ। अगर हम उस कारण तक जाते हैं तो निश्चित है उसका निवारण हो जाता है। हम दूसरों से आशाएँ अपेक्षाएँ रखते हैं कि मुझसे अच्छा बात करे, मुझसे अच्छा व्यवहार करे, मेरा सम्मान करे, यही अपेक्षाएं होती है दूसरों से। लेकिन अगर हमारे में समझ होती है तो हम समझ जाते हैं कि जो आशा अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं, वही आशा अपेक्षा सामने वाला व्यक्ति हमसे रखता है। तो हम जो चाहते हैं वो दूसरों को दे, अगर हम देना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी सरल हो जाती है। यह संसार मनोमय संसार है, सब अपने अपने अनुसार जीना चाहते हैं। हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर किसी की अपनी चाहत होती है, और वो अपने अनुसार सब जीना चाहते हैं। बस इतना ही समझ लें तो ज़िंदगी सरल हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी अनुकूल व्यक्ति के भी वो सुख से रह सकता है। और अगर जिसे जीना नहीं आता है वो सारी सुख सुविधाओं के रहते हुए भी, मन अनुकूल व्यक्ति के रहते हुए भी वो दुखी और अशांत रहता है। इसलिए हम किसी का नकल नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक परीक्षा है। और अक्सर हम देखते हैं इसमें लोग असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं, इसलिए कि वो दूसरों का नकल करते हैं। लेकिन वे लोग, हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हर किसी के प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं, प्रश्न पेपर अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें किसी का नकल नहीं करना है, और हमें यह ध्यान रखना है, ना ही हम दुनिया को समझने का प्रयास करें, ना ही हम ये सोचें कि दुनिया हमें समझे। बस सिर्फ अपने आप को समझ जाना है, अपने आप को समझ लेना है। ज़िंदगी के हर नियम उसूल को समझ लें तो सचमुच में ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी सुने साध्वी सुमन जी से, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मुरा से आई हुई, कि जीवन सरल भी है कठिन भी है। जीने का ढंग नहीं होगा तो जीवन कठिन से कठिन बनता चला जाएगा, और जीने का ढंग जब आ गया तो यही जीवन सरल हो जाएगा। जिस जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव कर रहे थे और जब जीने का ढंग आया तो उसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने लगते हैं। तो बदलाव अपने में करना है और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अब मैं विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ लखनऊ से आई हुई साध्वी, उनका भी आश्रम है वहाँ, उनके कार्यक्रम होते हैं, राजेश्वरी देवी। आप एक कुछ विचार अपने रखें इस अवसर पर। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु श्री अविनाश साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, मातृशक्ति की। परम पूजनीय, मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज,
आदरणीय श्री संचालक साहेब जी, भक्ति के भूषण भक्त सज्जन, गार्गी घोषा पाला जैसी मातृशक्ति, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए आज्ञा हुई है अति आज्ञा पालनार्थ कुछ देर आपके बीच अपनी बात रखूंगी। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब दुनिया के महानतम महापुरुषों में से एक थे, जिनकी मौलिक रचना बीजक है। बीजक में 11 प्रकरण, मैं साखी प्रकरण से कुछ देर अपनी चर्चा करूंगी। मानव जीवन की विशेषता का दिग्दर्शन कराते हुए, मानव जीवन की महानता का स्मरण कराते हुए सद्गुरु कबीर देव की वाणी हमें इंगित करती है, मानुष जन्मस पाए के चूके अब की घात, और जाय पड़े भव चक्र में सहे खनेरी लात। सवाल उठता है, आखिर इस जीवन को पाने के बाद चूकना क्या है, कहां से हम चूक जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा सुनहरा मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम आत्म कल्याण न कर सके, हम अपने को जान न सके, अपनी पहचान न बना सके। शायर लिखता है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली और अपने से जिसने मुलाकात कर ली। हमारी बड़े बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात होती है, नेताओं से मुलाकात होती है, मंत्री संतरी सबसे मुलाकात होती है, काश इन्हीं मुलाकातों के साथ हम अपने से भी मुलाकात कर पाते। और अपने से मुलाकात करने का साधन केवल एक है, संतों का सहचर्य, संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य। और दूसरा रास्ता इसका है अच्छी पुस्तकें, बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। अच्छी पुस्तकें आदमी की सबसे अच्छी मित्र हुआ करती हैं, सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं। आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? हम सोचते हैं जीवन इसलिए मिला है खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ये जीवन का मकसद मेरे भाई मेरी बहनों नहीं है। लोग समझते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, लेकिन विचारक ये लिखते हैं, आत्मनो मोक्षार्थ जग देता है चा, हम आत्म कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। हम अपने को समझें, आत्मा को समझें, तब हम परमात्मा को समझ पाएंगे। लोग अक्सर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। आखिर अपने को तो समझ लें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम विचार करते हैं। कहते हैं कि नवयुवक था, मार्केट गया, सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगी थी जिसमें कुर्सी पड़ी थी, मेज पड़ी थी, क्रीम पाउडर कंघा शीशक बहुत सारी चीजें थी। एक नाई बैठा था, लोग आया करते थे, बाल बनाते थे, अब बाल बनवा के पैसा देके लोग दुकान से नीचे उतर जाया करते थे। उस नवयुवक के दिमाग में भी आया, मन में आया, मस्तिष्क में आया कि आखिर इस दुकान में है क्या, मैं भी जाऊं। वो भी गया, कुर्सी पर बैठा, उसने अपनी सूरत उस शीशे में निहारी। फिराक गोरखपुरी जी लिखते हैं, आईना मुंह पे बुरा और भला कहता है, शीशा जो होता है आईना मिरर दर्पण, आईना मुंह पे बुरा और भला कहता है, सच यह है कि साफ जो होता है साफ कहता है, आईने से भी भला निष्पक्ष न्याय किसका हो सकता है। उसने नाई से कहा कि भैया ये जो आदमी बैठा है अपने भारत का है कि कहीं विदेश का? नाई ने कहा, ये आदमी न तो भारत का है न विदेश का है, ये तो भले आदमी तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है कि मैं इतना सुंदर हूं मुझे पता ही न था। मेरी पत्नी कभी कभार कहा करती थी कि तुम बहुत सुंदर हो, पर ये दुनिया का नियम है, जो जिसको प्यारा होता है वह उसे प्राण सम होता है, और मिलना चाहे वर्षों में अनुराग नहीं कम होता है। उसने कहा, ठीक है बाल बनाओ पैसा लो, लेकिन क्या मैं कभी कभार आया करूं तो मुझे अपने शीशे में मुंह देख लेने दिया करेंगे? नाई भैया ने कहा, जब तुम्हें इतनी शौक है तो बगल में दुकान है, वहां शीशे बिकते हैं,
और आप रुपया 4 रुपया 10 रुपए का शीशा आ जाता है, आप शीशा ले लो, फिर जब चाहो चेहरा देखो। उसने वैसा ही किया, शीशा खरीदा, घर पे पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके जीवन की तस्वीर बदल गई थी। उसने अपनी पत्नी से भी बात न की और परिवार के किसी सदस्य से बात न की और शीशे को बंद करके बक्से में रख दिया, ताला लगा दिया। जब ताला लगाया तो पत्नी को बड़ा शक हुआ, शक संदेह ये आपस में घुन हुआ करते हैं, प्रेम में दीवार खड़ी कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, और संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। देखा जाता है जब संदेह पैदा होता है, परस्पर जहां पति पत्नी में प्रेम होता है वहीं फिर विवाद शुरू हो जाता है। जहां संवाद होना चाहिए वहां विवाद शुरू हो जाता है। संवाद और विवाद में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर है। संवाद में दो हृदय का मिलान होता है और विवाद में दो मस्तिष्क का टकराव हुआ करता है। एक दिन पत्नी बहुत इंतजार में थी, फिराक में थी, कैसे चाबी पाऊं और ताला खोलूं। एक दिन चाबी मिली, ताला खोला, बक्से के कपड़े पलटे और उसमें से एक छोटा सा गोल शीशा निकला। पत्नी जैसे ही शीशे में अपना मुंह देखती है, उसने मुंह देखने के मकसद से शीशा नहीं उठाया था, वो तो शीशे को देखा, लेकिन शीशा घुमाने में उसका चेहरा दिखाई दिया और पत्नी रोने लगी। जब पत्नी रोई तो बूढ़ी सासू माँ बाहर बैठी थी, वो भी आई और देखा, आखिर मेरी बहू क्यों रोई, रोने का कारण क्या है। बहू कहती है, माँ जी देखती हो अपने बेटे की करतूत, हफ्ता पर गुजर गया मुझसे बात न चीत, और मेरे रहते रहते घर में ये दूसरी नविवती ला के बिठा ली, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। बूढ़ी सास ने वो शीशा लिया। बूढ़ी सास कहती है, बहू जवान होती तो कोई हर्जा नहीं था, तू रहती वो भी रहती, लेकिन इसमें तो 70 वर्ष की बुढ़िया ला के बिठा ली, मुझे ही रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और दो दो बुढ़िया को कौन खिलाएगा, ये लड़का कैसा अभागा हो गया। दोनों रोती हैं, बुढ़िया रोती है बुढ़िया है और जवान रोती है जवान है। बाहर ससुर बैठे थे, वो भी आए, उन्होंने कहा ये हंगामा क्या, उन्होंने भी वही शीशा लिया। उन्होंने कहा, मेरे घर में ही पूरे हिंदुस्तान से दोनों छठी छठाई पागलें आई हो, इन दोनों को किसी को ये पता नहीं है, इतना भी फर्क नहीं समझ पाई हो ये स्त्री है अथवा पुरुष, इसमें तो पुरुष बैठा है 70-75 वर्ष का और तुम दोनों निरर्थक रो रही हो। कहते हैं रास्ते से एक संत जा रहे थे, उन्होंने जब सबका विवाद देखा तो उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने कहा, ना नवयुवक है ना युवती है, ना बुढ़िया है ना बुढ़ा है, बस ये तो शीशा है, और शीशे में हम जैसी भी तस्वीर हमारी होगी वैसा ही उधर से दिखाई देगा। ये कहानी और कहीं की नहीं, ये कहानी मेरे भाई मेरी बहनों हम सब की है। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि लोग ऐसे हों, हम दूसरों से चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या हम भी दूसरों के साथ कर सकते हैं? हम दूसरों में दोष और द्रोण हमेशा देखते हैं, हमारी नजरें हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, लेकिन कभी हमने अंदर की तरफ झांक कर नहीं देखा। काश हम बाहर से हटे और अपने में डटे। शायर लिखता है, रहोगे ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा, रहोगे ख्वाब में कब तक एक दिन जागना होगा, और जिसे तुम अपना कहते हो उसे ही त्यागना होगा। बड़ा रुतबा कमाले जर बना ले महल आलीशान, बड़ा रुतबा कमाले जर बना ले महल आलीशान, मिले जब मौत का फरमा तो क्या क्या लादना होगा। तलब दुनिया की करके यूं रिहाई मिल नहीं सकती, अगर पाना है दिलवर को तो दिल को थामना होगा। हमें रुकना पड़ेगा, हमें स्थिर होना पड़ेगा, हमें डटना पड़ेगा, तब हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, हम चूक जाते हैं, पुस्तकों को पढ़ा सत्संग को सुना, लेकिन जहां सुना वहीं छोड़ा, और जैसे पुस्तक छोड़ देते हैं वैसे उसका ज्ञान भी छोड़ देते हैं। बहुत समस्याओं का समाधान संतों के सत्संग से मिल जाता है, बहुत भ्रांतियों का निराकरण संतों के सत्संग से मिल जाता है। सत्संग वो चीज है, षट सुधरें सत्संगते पाई,
नीच से नीच प्रवृत्ति के लोग भी संभल जाते हैं, हम लोग भी बदलें, अपने जीवन के जो हमारे जीवन में भूलें हो गई हैं उस पन्ने को पलट दीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिससे कोई भी भूल ना हुई हो। भूल होती है, भूल है निज रूप की, और संसार सत्य भासता, तृप्ति अपने आप में छुट गई जब दास्ता। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच, मानुष जन्म पाए के क्योंकि अब की घात, और जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। ऐसा सुनहरा मनुष्य जीवन, कहते हैं चारों खानियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का तन है, मनुष्य चोला है। बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है, लेकिन इसको हम गंवा देते हैं, खो देते हैं सांसारिकता में, विषय वासनाओं में, संसार के एक भोगों को भोगने की इच्छा में। और भोगों को आदमी जितना ही भोगता है उतना ही तृष्णा बढ़ती जाती है। भोगों को आदमी कभी नहीं भोग पाता है बशर्ते वो अपने में आए तो हम भोगों से विरत पा जाए। भरतहरि जी ने लिखा है, भोगों को क्या भोगा हमने, भोगों ने ही भोग लिया। लोग कहते हैं कि हम बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी कौन पीता है, बीड़ी लोग कहाँ पीते हैं। अरे ये बीड़ी ही आदमी को पी के खोखला बना देती है। जितने भी दुर्व्यसन हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, तंबाकू हो, कोई भी चीज हो, ये मनुष्य जीवन को खोखला कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कितने चालाक लोग होते हैं। ये मनुष्य जीवन बड़ा चालाकी करता है। लोग कहते हैं आदमी बात करेगा तो बनावटी करेगा, और काम करेगा तो दिखावटी करेगा, और माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा। आप बाजार जाए ना, बनिया लोग बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं, चना में कंकड़ मिलाते हैं, काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाते हैं, मिर्च में लाल मिट्टी मिला देते हैं। ये मिलावट का युग, लोग कहते हैं कलयुग है। अरे कलयुग छोड़ दो, ये मिलावट का युग है, लोग मिलावटबाजी करते हैं। जीवन के साथ भी हम बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। अगर अपने को नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे जीवन की गहरी भूल हो जाती है। हमें चाहिए हम संतों के साथ को अपने जीवन में उतारें, संतों के सत्संग को, गुरुवाणी को अपने जीवन में धारण करें। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, और जाय पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। दुर्व्यसन करने वाले लोग अक्सर लिखा रहता है कृपया पान खाकर यहाँ ना थूके, और लोग उसी के ऊपर पीक मार देते हैं, सोचते नहीं हैं। सफाई करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। और जितना ही हमारे मन वाणी कर्म पवित्र होते चले जाएंगे, क्लीन लेस इज नेक्स्ट टू गॉड, उतने ही हम पवित्रता के करीब पहुँचते चले जाएंगे। साधना की जितनी भी श्रेणियाँ हैं वो केवल जीवन को पवित्र करने के लिए हैं। लोग बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी बाहर पीते हैं, शौचालय में पीते हैं। उनसे पूछा जाए बीड़ी क्यों पीते हैं तो कहते क्या बताएं, पेट साफ नहीं होता, लेटर नहीं आती, इसलिए पीते हैं। ये उनका केवल कोरा भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैल को देखें, गाय को देखें, भैंस को देखें, बिना बीड़ी पिए ही कितना कितना गोबर कर देते। लेकिन हम चिंतन करें, विचार करें तो मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। लात में, पैर में, चरण में बड़ा अंतर है। जब आप गुरुदेव के सम्मुख जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, संतों के चरण स्पर्श किए। लेकिन कभी गधा, गाय या भैंस पग प्रहार कर दे, लात मार दे तो आप क्या कहते हैं, पैर मार दिया। नहीं नहीं, कहते हैं आप कि गधे ने लात मार दी, भैंस ने लात मार दी, तो जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि मेरे भाई कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मानव जीवन को समझ न पाया तो तुम्हारे जीवन की ये गहरी भूल है, और फिर आपको 84 लाख खानियों में जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसलिए आज हमें सुंदर मौका मिला है, सुंदर संतों का साज मिला है, और सत्संग मिला है, स्वस्थ बुद्धि मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, और इससे ज्यादा आप कुछ चाहिए भी क्या। तो हम अपने जीवन को समझें, जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाएं, अपने को समझें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संत गुरुजनों को नमन करते हुए आप सबके अंतस्थल में बैठे उस परमात्म स्वरूप चेतन देव को मेरा प्रणाम है, कृपया स्वीकारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव के,
सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, बोलिए सदगुरु देव की। और अब विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी आश्रम पारस बालोद से आई हुई साध्वी श्रद्धा जी से। थोड़ी देर अपना विचार रखें, फिर कबीर पारख आश्रम धर्मपुरी से आई हुई हैं साध्वी विजया जी, उनके भी विचार सुनेंगे। गुरुदेव जी का, साहेब जी का आने का समय हो चुका है, थोड़ी देर में आएंगे, कुछ भजन सुनेंगे और फिर अंत में साहेब जी के विचार सुनेंगे। थोड़ा उठा दो भाई, इतना छोटी नहीं है, कस दो। हाँ ठीक, कनेक्शन तो दे दो। बोलिए सदगुरुदेव की। हर 10 मिनट में जयकारा लगाना है, इसलिए जयकारा लगाने में उत्साह कमजोर न करिएगा। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। हे सदगुरु संत रमना श्वेत कंज सत धाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए, तन मन धन सब सौंपी के चरणों रहा समाए। मेरे आराध्या देव परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन ज्ञान मूर्ति देवस्वरूप परम पूज्य गुरुदेव जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन के पोषक परम वंदनीय संत समाज, निर्छिर विवेकी परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब का ज्ञान मिला हुआ है और ज्ञान को पा करके हम सबको अपने जीवन को प्रकाशित करना है। हम जिस मंच में बैठे हैं दोनों तरफ चित्र है, एक तरफ सदगुरु कबीर साहेब का चित्र है और सदगुरु कबीर साहेब अपने हाथ में मशाल लिए हुए हैं, उस मशाल से हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को प्रकाशित करना है। और दूसरी तरफ सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का फोटो है, अपने हाथ में लाठी लिए हैं। हम सदगुरु कबीर के ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके प्रकाशित नहीं कर पाते हैं तो दूसरी तरफ गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी लाठी पकड़े हैं। कबीर ने कहा है ना, सदगुरु कबीर ने कहा है, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और, अगर कोई कहा ना माने तो दो धक्का और दो। और उसके नीचे में लिखा हुआ है, चेतो उठो छनक जिनगानी, चेतो उठ जाओ, अवे जिनगानी थोड़ा समय के लिए है। सज्जनों, चूहा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें 7 दिन में खुल जाती है, कुत्ते की आंखें 14 दिन में खुल जाती है, बिल्ली की आंखें 21 दिन में खुलती है और आदमी की आंखें जब तक यमराज की डंडा नहीं पड़ती तब तक नहीं खुलती। इसे यमराज की डंडा पड़े उससे पहले आंखें खुल जाए, इसके लिए संत गुरुजन हम सबको ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। किस लिए? क्योंकि हम सबको अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाना है। एक तरफ तो देखते हैं सज्जनों, सबसे ज्यादा दुखमय जीवन मनुष्य का ही जीवन होता है। सबसे ज्यादा जितना मनुष्य रोते उतना पशु पक्षी नहीं रोते, जितनी चिंता मनुष्य को है उतनी चिंता पशु पक्षी को नहीं। और दूसरे तरफ जितना सुख और शांति और कल्याण का जीवन मनुष्य जी सकते हैं, सज्जनों पशु पक्षी नहीं जी सकते। इसलिए मनुष्य जीवन की महत्ता बताई गई है और मनुष्य जीवन को पा करके जिन्होंने जीवन को सुंदर बनाया, सुखमय बनाया, उसका जीवन वास्तव में एक जीवन पाना सार्थक हो गया। आज मनुष्य के आवश्यकताएं आकांक्षाएं इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी पूर्ति हो पाना असंभव हो गया है। और इसी कारण सुख तो अल्प है और दुख आदि से अंत तक है।
क्योंकि सुख का रास्ता हम बदल दिए, और जब सुख का रास्ता ही बदल गया तो जीवन में सुख कैसे मिलेगा। आज अभी सुन रहे थे कि आज जीवन कितना नशा की ओर बढ़ता जा रहा है। आज धन बढ़ा, सुविधा बढ़ी, संपन्नता का विकास हुआ सजनों, लेकिन सुख नहीं बढ़ा। आज लोगों के जीवन में मनोरंजन का साधन भी बदल गया, वो भी बढ़ गया, लेकिन सुख नहीं बढ़ा। पहले लोग मनोरंजन के लिए ताश खेलते थे, आज लोग मनोरंजन के लिए जुआ खेलते हैं। पहले लोग मौज मजा के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, फिर थम्स अप आई, फिर पेप्सी आई, फिर शराब आई, और आज लोग आइन का उपयोग करते हैं। पहले लोग मनोरंजन के लिए पिक्चर देखते थे, साधन तो बढ़ा, सुविधा बढ़ी सज्जनों, इससे सुख नहीं बढ़ा। और जब जीवन में सुख आएगा नहीं, सुख का साधन जानेंगे नहीं, तो जीवन सुख कैसे में होगा। क्योंकि कहते सुख कहीं बाहर नहीं है, जैसे फूल की खुशबू फूल में रहती है, शक्कर की मिठास शक्कर में रहती है, दीपक का प्रकाश दीपक में रहता है सज्जनों, वैसे ही आत्मा का सुख आत्मा में है। और उस आत्मा सुख को कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो तो अपने भीतर है। लेकिन अपने भीतर के सुख को जानने के लिए संत गुरुजनों के आधार की आवश्यकता होती है, संत गुरुजनों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब संत गुरुजनों का ज्ञान मिलता है, तभी हम जानते कि जीवन कितना सरल है, जीवन कितना सहज है। सज्जनों को अब कहते ना कि बहुत बेकार समय आ गए, सब लोग बिगड़े हुए हैं, सब समय लोग बिगड़े और सब समय लोग अच्छे हुए। आज भी लोग लुच्चे लफंगे बदमाश भी होते हैं, तो आज भी लोग हरिश्चंद्र की तरह धर्मात्मा और दानी भी होते हैं, जो सब कुछ का दान दे करके किराया में रहते हैं। लोगों को लगेगा ऐसा भी कभी होता है, इसलिए तो किसी ने कहा है ना, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमको जीना नहीं आया, नशा तो हर चीज में हमको पीना नहीं आया। केवल जुआ में नशा है, शराब में नशा, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान में भी नशा है, भक्ति में भी नशा है, वैराग में भी नशा है। और जिनको ये नशा लग गया, उन्हीं को जीवन जीने का ढंग आ गया। भगवान बुद्ध बुद्ध नहीं थे, जिन्होंने पत्नी बच्चे राजपाट सब कुछ का त्याग कर दिया। और सज्जनों, हम सब भी बुद्ध बनने आते हैं, लेकिन जमीन मकान पुत्र परिवार में रुक करके बुद्ध बन जाते हैं, और बुद्ध बन करके इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए हम अपनी शक्ति को जाने, जो बुद्धत्व का ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा की शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति को पहचाने। और जब उस शक्ति को पहचानेंगे, तब जानेंगे कि हमारे जीवन में कितना सुंदर सुख शांति और ज्ञान पाने का रास्ता और संत गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया है। इसलिए कहते हैं, कब तक सोए अब उठे, इस जिंदगानी थोड़े दिन की है, कुछ समय के बाद इस संसार से जाना है। और जाने से पहले कहा है ना, जहाँ तुम जाओ वहाँ के लोग तुम्हारा इंतजार करे, जहाँ से तुम जाओ वहाँ के लोग तुम्हें याद करे, और जिस जगह जाओ वहाँ लोग तुम्हें प्यार करे। अगर इतना जीवन में आ गया, तो जीवन जीने की सफलता हो गई। हम अपने जीवन को देखें, जहाँ रहते हैं वहाँ हमें लोग प्यार करते हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं लोग हमारा इंतजार करते हैं, और जिस जगह से हम जाते हैं लोग याद करते हैं। ऐसा जीवन बनाए सज्जनों, ऐसा जीवन बनाने के लिए जन्म और मृत्यु का पेज तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों के बीच का जो जीवन का पेज है, उसको हम लिख सकते हैं, और लिख करके इतना सुंदर बना सकते हैं। उसी में लोग गीत भी लिख सकते हैं, उसी में लोग गाली भी लिख सकते हैं, उसी जीवन को लोग गुनगुना भी सकते हैं, उसी जीवन को लोग भुनभुना भी सकते हैं। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। इसलिए सुंदर जीवन जिए। आज जो भारत देश में रह करके भारत की भूमि में रह रहे हैं, इस भारत भूमि की महानता आज से नहीं, वर्षों से ही नहीं, युगों से है। और इस महानता को बड़े बड़े जो मुसलमान लोग राजे महाराजे आए, ये हमारा भारत देश 500 साल तक मुसलमानों के गुलाम थे, 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम हुए, लेकिन अब हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक कहला रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र नागरिक होकर के हम जीवन में कितना स्वतंत्र हो पाए। आज भी हम देख रहे हैं, जिस स्वतंत्र भारत में रह करके अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा हुआ लोग आध्यात्मिकता की पहचान देते हैं सज्जनों, अब दिशा बदल रही है तो दशा भी बदल गई है, क्योंकि दशा बदल गई तो दिशा बदल गई। बताते हैं नशा में चीनी
जो देवियां वो सबसे आगे हैं। जितना भाई लोग नशा करते उससे ज्यादा देवियां भी नशा करने लग गई है। आश्चर्य की बात है चीन की माता नशा में इस विश्व में 195 देश है और 195 देश में चीन की माता सबसे नशा में आगे है। दूसरा नंबर में अमेरिका की माता है और सौभाग्य की बात कही या दुर्भाग्य की बात, ये भारत की देवियां नशा में तीसरा नंबर में स्थान प्राप्त की है। जो अध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ देश कहलाता है और उस देश की देवियां आज नशा में आगे हो रही है। और ये गांव देहात की माताएं नहीं है, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं जो नशा में इतना प्रवृत्त होते जा रहे हैं और नशीला बना करके जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। जिस भारत देश को अध्यात्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है आज उस भारत देश को नशा के नाम से जाना जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्य देश है। इसीलिए कहते हैं ना, अमेरिका का गौरव धन से है तो चीन का गौरव जन से है, रूस का गौरव विज्ञान से है तो फ्रांस का गौरव विलासिता से है, जापान का गौरव उद्योग धंधा से है तो पवित्र भारत भूमि का गौरव अध्यात्म ज्ञान से है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ देश में हम सब बैठे हैं जहाँ सिकंदर आ करके इस संसार में किसी से सर नहीं झुकाए लेकिन एक संत से सर झुका करके चले गए। संत के पास जाकर उन्होंने कहा कि चलो मेरे गुरु अरस्तु ने किसी ज्ञानी संत को बुलाए भारत से, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। संत ने कहा मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं जाने की। कहा तुम नहीं जाओगे तो मांगो कुछ मैं दे सकता हूँ। कहा तुम जैसे भिखारी मुझे क्या दोगे। ऐसे ललकारने वाले तो सज्जन एक संत ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा यही कुछ मांगो, मेरे अधिकार में सब कुछ है। तो संत ने कहा अच्छा मुझे देना ही चाहते हो तो इतना दे दो, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मक्खी और मच्छर मुझे बहुत परेशान करता है, उससे मुझे मुक्त कर दो। सिकंदर सर झुका और कहा इस पर तो मेरा अधिकार नहीं है। संत ने कहा जिस पर मक्खी और मच्छर का अधिकार नहीं कौन सा अधिकार दिखाता है और अधिकार दिखा करके रोब दिखा करके ललकारता है, तुम चले जाओ यहाँ से। वही सिकंदर जो भारत को लूटने आया एक संत के पास सर झुका करके गया। तो सज्जनों ऐसे ज्ञान से भरा हुआ हम सब भारत में बैठे हुए बड़े बड़े संत गुरुजन हैं जो ज्ञान पाए और ज्ञान में जीवन जिए और जीव करके जीवन को सुंदर और सुखमय बनाए। इसलिए जो देश की देवियां जो अध्यात्म ज्ञान को लेकर के खुद पुत्र को जन्म देती है, ज्ञान में जीवन जीती है, आज वही देवियां नशा में लिप्त हो रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। अगर एक देवी समझदार हो जाए शिक्षित हो जाए तो जीवन कितना बदल जाता है। क्योंकि किसी ने कहा है ना 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अगर एक स्त्री समझदार हो जाए शिक्षित हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन स्त्री समझदार हो शिक्षित हो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं ना लोग बांस की फट्टी का ढांचा बनाते हैं, रंग रोपण लगा देते हैं, सजाते संवारते हैं और नाम देते हैं जगदम्बा। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है, जो जगत के अम्मा जगत को पैदा करने वाली हो, जिससे एक चूहिया भी पैदा नहीं होती लेकिन इन देवियों से तो सृष्टि का जन्म हो रहा है। कितनी बड़ी शक्ति है कि देवियों से सृष्टि का जन्म हो रहा है। और ये देवी शिक्षित हो जाए समझदार हो जाए तो सज्जनों कहना क्या, जो भारत आज सबसे फर्स्ट नंबर में है वो सदा रहेगा और आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं, आज भी है और सदा रहेगा। लेकिन एक बात और है, कहते हैं ना चींटी को लिपस्टिक लगाना कठिन है, मच्छर को कपड़ा पहनाना कठिन है और हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, वैसे नासमझ स्त्री को समझाना भी कठिन है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए इस सुंदर संस्कार सुंदर सीख लेने के लिए जीवन को संस्कारित बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं और जीवन को प्रकाशित बनाएं। सज्जनों आज तक ऐसा सरकारी स्कूल भी नहीं खुला जो अच्छी बेटी और अच्छा बेटा बना सके, कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला जहां अच्छा पति और पत्नी बनाने की सीख दी जा सके, कोई ऐसा कॉलेज नहीं खुला जहाँ अच्छा माता और पिता बनाने की सीख दे। डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाने के लिए कोई इतना स्कूल है विश्वविद्यालय है कॉलेज है लेकिन अच्छा पुत्र
पति आप इधर आ जाइए। और पिता बनने के लिए सज्जनों न कोई विश्वविद्यालय खुला, न कोई कॉलेज खुला, न आज तक कहीं स्कूल का निर्माण हुआ। और वो विश्वविद्यालय, वो स्कूल, वो कॉलेज एक संत का समागम, संत का आश्रम है जहाँ सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास आकर के केवल त्याग नहीं, सब कुछ सीखना है। किसी विचारक ने कहा है, संयम के द्वारा संभाल ले और सेवा से शक्ति का इस्तेमाल कर ले तो उन जवानों के शक्ति के समक्ष देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाता है। कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा बल है उस जवानी में, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है। तब देह को हीन करके, मन को दीन करके और आत्मा को छीन करके सज्जनों अपने शक्ति को बर्बाद करके जीवन को सुंदर और सुखमय नहीं बना सकते। शायद समय पूरा हो गया है, इसलिए जीवन को सुंदर और सुखमय बनाना है तो हम सबको चाहिए कि अपने संस्कार को सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं और निर्मल बनाएं। निः शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। यह मैं पहली बार सुना कि नासमझ स्त्री को समझाना कठिन है, एक खग जाने खग ही की भाषा। त्रिया का तत्व त्रिया पहचाना, हम तो जानते ही नहीं थे अभी तक के। और मेरा मानना है किसी को भी सही रास्ते लगाया जा सकता है और लगती भी हैं। माता बहनें भी अच्छी हैं और तभी इस सुंदर सृष्टि का निर्माण करती हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिस पर संकेत करते हैं सब लोग, उस पर सुधार होना चाहिए, सच है उनका कहना। और अब विचार सुने, विजया के समय को 2-2 मिनट ज़्यादा लेके सब खा गए, अब मेरी क्या गलती उसमें? मेरा तो कोई दोष नहीं है ना। बहरहाल जो समय है थोड़ा सा, फिर भी उनसे हम, मैं चाहता हूँ कि बोलें, कबीर पारख आश्रम धर्मपुरी बड़ोदरा गुजरात से आप आई हुई हैं, आप उनके आश्रम जा सकते हैं आप लोग। और वो तो नहीं बताऊंगा कहाँ क्या क्या देखने लायक, नहीं गड़बड़ कर देंगे आप लोग पहुँच के। लेकिन है बहुत अच्छी जगह और वहाँ की व्यवस्थापिका हैं, सब कुछ हैं, बहुत सी साध्वियाँ वहाँ रहकर साधना करती हैं, कार्यक्रम में आई हुई हैं। आप कुछ मिनट अपने विचार रखें, साध्वी विजया देवी। और उसके उनके पश्चात साहेब जी का पदार्पण होने वाला है। हमारे बीच गौरव जी आ गए हैं, भजन भायक जो गुरसरन जी हैं उनके साथ, उनकी मंडली के साथ में एक भजन प्रस्तुत करेंगे और फिर पूज्य श्री साहेब जी के विचार सुनेंगे और आज का दूसरे दिन का ये पहला सत्र समाप्त होगा। तब तक आप लोग धैर्य से बैठें और विचार सुने। हाँ,